जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 1:08 और सोमवार को जबरदस्त गिरावट, 400 पॉइंट निफ्टी ने गिरा दिया। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ते हैं फिर हम। आज एक बड़ा एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पूरी ताकत से मार्केट को बाई करूँगा। यहाँ से 150 पॉइंट और गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से 18,000 के लिए तैयार हो गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ क्यों। एक ही कारण हो गया था, हमारा रीडिंग में क्यों गड़बड़ हो गया। ये 52 दिखा रहा था, लेकिन सुबह आज ये 58 दिखाने लग गया। तो ये डाटा में ही रॉन्ग आता है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। जो मनी कंट्रोल का PCR 72 दिखा रहा था, वो अब सीधा अचानक 96 दिखाने लग गया था सुबह। उस कारण से हमारा 200 250 की जगह 400 गिरा है, और कुछ फर्क नहीं है। तो अब यहाँ पे अभी भी ये 100-150 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है मैक्सिमम, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ी तेजी है। अब आ जाइए यहाँ पे, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया इस टॉप से, इसको करेक्ट करके। तो ये बोल रहा, आज कोई भी हालत में मार्केट को 17,091 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। पहला पॉइंट 17,091 लिख लीजिए आप लोग, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या क्या है वो भी नोट करिए। लेकिन हमको ये रैली है, 15,671 से 18,114 भागा था मार्केट 8 मार्च से। ये 8 मार्च का लो है और ये अप्रैल का हाई है, यहाँ तक भागा 18,114, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2,443 पॉइंट की रैली हुई। अगर उसका करेक्शन गिनते हैं हम तो 23.6% अगर इसका निकालते हैं और उसको 18,114 से माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये फिगर आता है। इसके नीचे ऑलरेडी हम क्लोज कर चुके थे, फ्राइडे को हम इसके नीचे क्लोज फर्स्ट टाइम किए थे। फर्स्ट टाइम फ्राइडे को हमने इसके नीचे यहाँ क्लोज किया, थर्सडे सॉरी बुधवार को, मंगलवार तक ये बचा के रखे थे हम। तो ये जब क्लोज हो जाता है किसी भी लेवल के नीचे, तो अगला लेवल इसका टारगेट हो जाता है। तो अगला लेवल क्या था, 17,181, 38.2%। कितना आज सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है निफ्टी को पहले तो इसके ऊपर अपनी इज्जत बचाने के लिए क्लोज करना पड़ेगा, इसके ऊपर 17,091 के ऊपर। लेकिन इज्जत बचने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमको तब होगा जब आज ये 38.2% के ऊपर क्लोज करेगा। कब करेगा, 38.2% रिट्रेसमेंट, जो कि 17,180 का लेवल आता है। ये इस लेवल के ऊपर इसको क्लोज करना जरूरी है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ये वाला टारगेट खुल जाता है। इसके नीचे तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है कि ये वाला आएगा, ठीक है, फिर भी हम आज सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 17,181, जो 38.2% किसका होता है, इसका 2,443 का। उस जो 38.2% निकलेगा उसको आप 18,114 से माइनस करिए तो एग्जैक्टली आपका ये फिगर आएगा 17,181। तो पहले वाले के जब नीचे हम क्लोज कर चुके थे 537, तो हमारा टारगेट यही हो गया था। अब इसके नीचे अगर क्लोज करते तो ये टारगेट खुल जाएगा, और नहीं करते आज इसको बचा लिए, फिर ऊपर के लेवल के लिए याद रखिए मार्केट 18,000 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। 17,900 प्लस का मैं टारगेट दे रहा हूँ इस सीरीज़ का, अप्रैल सीरीज का मेरा टारगेट है 17,900 प्लस फ्यूचर्स, ठीक है। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और ये मुझे लगता नहीं है आज 181 के नीचे क्लोज करेगा, नहीं लगता है मुझे, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी। दूसरा मार्केट, एक और बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था। 28 तारीख की सीरीज़ को देखो आप, वीकली सीरीज़ को, वहाँ पे आपको आश्चर्य होगा कि मार्केट 17,090 चल रहा है, 17,500 का पुट राइटर एक्टिव है, 600 का पुट राइटर एक्टिव है, वो भी कॉल से ज़्यादा खड़े हैं। कॉल यहाँ तक है 17,500 में, पुट यहाँ तक खड़े हैं, मतलब इनको सुपर कॉन्फिडेंस है
कि 17500 तो एट एनी कॉस्ट आएगा 28 अप्रैल के पहले, एट एनी कॉस्ट, इवन 17600 भी एट एनी कॉस्ट आएगा, ये इनको सुपर कॉन्फिडेंस है। और इवन 17700 तक पॉसिबल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और 18000 के भी पुट राइटर 50% खड़े हैं, मतलब कुछ भी हो जाए मार्केट 17600 को तो क्रॉस करेगा इस अप्रैल सीरीज में, 17600 को एट एनी कॉस्ट क्रॉस करेगा, ये आपको मैं क्लियर कट यहां से दिखा रहा हूं। जय जिनेंद्र, जय बोले।